हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं आ गई हूँ आदि योगी, जो कि सुबह के बज रहे हैं 6:15 हो रहे होंगे। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सोचे कि सुबह जाएंगे तो अच्छा ब्लॉग भी बन पाएगा और अच्छे से व्यू कैप्चर भी करेंगे। तो मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। इतना सुकून लग रहा है ना, पूरे रास्ते एक अलग ही खुशी थी। और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छे मोर की आवाज़ आ रही है, मोर के चहचहाने की आवाज़, बोलने की आवाज़, बहुत सारे चिड़ियों की आवाज़, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं पीछे ये भोलेनाथ, और हम लोग यहाँ आ गए। और अभी बहुत अच्छी खासी तेज धूप निकली है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, धूप निकली है, ठंडी के मारे मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है, बहुत ठंडी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे अभी इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत कैसा लग रहा है सुनो? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपको ऊपर से पूरा व्यू दिखाते हैं भोलेनाथ की तरफ से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मोर की आवाज आ रही है। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव आप सभी को फ्रेंड्स मेरी तरफ से। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर का अंदर दिखाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ नीचे पूजा करके उसके बाद ऊपर आके थोड़ी देर बैठी थी, जो कि बहुत सुकून लग रहा था, बहुत शांति लग रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि थोड़े बहुत फ़ोटो खींच लो और एक दो वीडियो बना लो, सो याद के तौर पे ये रहेंगे। तो जब भी मैं वीडियो देखूँगी तो भोलेनाथ को मैं देख लूँगी। फिर पता नहीं कब दोबारा यहाँ आना होगा कि नहीं होगा, लेकिन भोलेनाथ चाहेंगे तो मैं यहाँ ज़रूर दोबारा आऊँगी। तो बहुत ही सुकून है फ्रेंड्स। मैं तो कहती हूँ ना कि गोवा ये सभी चीज़ों पे जाना छोड़ दो, मंदिर में जितना सुकून है ना, जितना शांति है, उतना कहीं भी नहीं है। और मैं सच्ची एक बात बताऊँ फ्रेंड्स,
कि मैं कितने जगह गई हूँ, बहुत ऐसी जगह पे, बीच वेच बीच पे, ऐसी जगहों पे, लेकिन जो सुकून मंदिर जाने पे मुझे जो मिलता है ना, मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे वो सुकून कहीं नहीं मिलता है। और यहाँ पे दर्शन करके सीधे हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और रास्ते का मैं एक दो व्यू कैप्चर कर ली हूँ जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे पता नहीं ये किस चीज़ की खेती ये लोग किए हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं अपना ब्लॉग बना ली। और ये व्यू तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था फ्रेंड्स, देख सकते हैं इतने वाइट वाइट से पहाड़ थे और पानी इतना साफ था ना, इतना साफ था कि मैं तो यहाँ जाके बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट की हूँ, मैं बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटो शूट की हूँ और पानी बहुत ही साफ था। तो आज का बस यही था मेरा दिन और मैं सोची कि सावन में एक बार भोलेनाथ के तो दर्शन हो ही जाने चाहिए। तो ये रहा, तो वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए हर हर महादेव।